My name is Kamini Sharma और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज जो 2023 के एग्जाम्स के लिए। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी वन डे कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये है, ये वो चैनल है, ये वो पॉइंट है जहां पे आपको अपने सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश। तो आज हमारे नाउन का थर्ड पार्ट हो रहा है। तो अपने सेकेंड पार्ट तक में हमने देखा था कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं और हमारे काइंड ऑफ नाउन कैसे होते हैं, पर्सन प्लेस एनिमल थिंग को हम कहाँ कैसे डिवाइड कर रहे हैं। तो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर इटसेल्फ। तो लेट्स क्विकली हैव अ रीकैप, एक फटाफट एक रीकैप करते हैं कि हमने अपने सेकेंड लेक्चर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। एंड यस, Quickly click that bell icon, subscription button दबाना नहीं भूलिएगा, and give this video a thumbs up if you watch it till the end and if you really like it. So now उनके second lecture में हमने पढ़ा था कि हमारा proper noun क्या होता है। Proper noun होता है एक ऐसा word जो identify करता है, जो एक unique case होता है, यानी जहाँ पे हमें एक बिल्कुल different नाम आता है, नेमिंग वर्ड आता है, उसी को हम कहते हैं अपना नाउन, कॉमन नाउन, विच इज कॉमन फॉर एवरीबॉडी। सो बॉय एंड अ गर्ल इज अ कॉमन नाउन, बट द नेम ऑफ अ पर्सन इज द प्रॉपर नाउन। तो जहां पे एक खास पहचान बनती है, आपका अलग से व्यक्तित्व दिखाई देता है, वो होता है हमारा प्रॉपर नाउन, और जहां पे वो सामान्य होता है, वो होता है हमारा कॉमन नाउन केस। फिर आता है हमारा कलेक्टिव नाउन, नाम से ही क्लियर होता है, कलेक्शन का मतलब इकट्ठा करना, सारी चीजें एकत्रित करना, कई एक साथ होते हैं तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में भी हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। एंड में आते हैं हमारे दो अनकाउंटेबल, यस अनकाउंटेबल दो नाउन्स होते हैं, मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट तो प्योर अनकाउंटेबल, क्योंकि कोई तरीका नहीं, आप लव को कैसे मेजर करेंगे, मैम ढेर सारा प्यार, अरे ढेर सारे में भी आप कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि मटीरियल में कुछ ना कुछ मेजरमेंट का आपके पास तरीका होता है। उसके बाद हमारा आता है countable अनकाउंटेबल नाउन को हम डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं। तो countable नाउन में नंबर होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके ठीक बगल में लिखा होता है हमारा नाउन, 1 होता है सिंगुलर, 2 और उससे अधिक होता है प्लूरल। अनकाउंटेबल नाउन में नंबर चाहे जो लिखिए, उसके बगल में नाउन कभी नहीं आ सकता। बीच में आता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट से सीधे मैथ्स में नहीं चले जाएंगे। अगर हमने कहा कि एक कप पानी, तो कप हो गया हमारा मेजरमेंट, तो अल्टीमेटली ये नहीं कि लीटर मीटर किलोमीटर में जाएंगे, किसी भी चीज़ से हम यूनिट को मेजर कर सकते हैं। जब घर में माँ चावल बनाती है तो वो कहती है एक मुट्ठी चावल, एक डिब्बा चावल, एक कप चावल, एक कटोरी चावल, वहाँ किलो पाव छटाक में काम नहीं हो रहा होता। तो कोई भी जो न्यूमेरिकल यूनिट आपकी मैथ्स की नहीं है, उसे भी हम डालते हैं अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी में। टिल हियर, यहाँ तक हम लोगों ने अपने काम किए थे। क्विकली चेक ऑन विद आर PDF जो हम लोगों ने अपने नाउन्स की पढ़ी थी, हमने उसमें एग्जाम्पल्स देखे थे अपने काउंटेबल नाउन के, जहाँ पे हम अपने नाउन को लिख रहे हैं, नाउन के ठीक पहले हम लिख रहे हैं अपना नंबर, ये रहा हमारा नाउन के पहले ठीक लिखा हुआ एक नंबर, ठीक। और जब हम अनकाउंटेबल नाउन लिखते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम क्या लिख रहे थे, हमने लिखा प्लेंटी, अ लिटिल, अ बॉटल ऑफ जैम, अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ जार ऑफ शुगर, अ जग ऑफ वाटर, यानी हम उसको डायरेक्टली किसी भी हालत में नंबर के साथ नहीं लिख सकते, और वो कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता, वाटर का वाटर्स नहीं होगा, जैम का जैम्स नहीं होगा, और इसीलिए उसे कहा जाता है मास नाउन भी। मास मतलब वेट, क्वांटिटी, आप जो भी उसको समझ लें, ठीक है।
अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने कुछ और केसेस में। कभी कभी हमें देखना पड़ता है कि हमारा नाउन, क्योंकि वो एक व्यक्ति हो सकता है, लिविंग केस है, उसमें पर्सन और एनिमल दो चीज़ें होती हैं जो लिविंग केस होते हैं, तो बट ऑब्वियसली हमारे पास जेंडर्स भी आएंगे। तो अलग अलग हमारे पास क्या क्या जेंडर होते हैं, नाउन में जब हम अपना जेंडर पढ़ते हैं तो मेन आता है मैस्कुलिन और फेमिनिन, लेकिन जेंडर यहीं पे आके ख़त्म नहीं हो जाता आपके नाउन का। तो थर्ड लेक्चर यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम अपने जेंडर केसेस को। तो नाउन में कौन कौन सा जेंडर पाया जाएगा, लेट्स क्विकली चेक इट अराउंड। तो एक होगा हमारा मैस्कुलिन यानी कि मेल, फिर होगा हमारा फेमिनिन यानी कि फीमेल, फिर होता है हमारा कॉमन जेंडर। यस, कॉमन जेंडर भी होता है, जैसे कॉमन नाउन होता है वैसे ही हमारा कॉमन जेंडर भी होता है, और आखिरी में हमें मिलता है अपना न्यूटर जेंडर यानी जिसका कोई भी जेंडर नहीं, सभी नॉन लिविंग चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। तो मैस्कुलिन सबको क्लियर है, मैन मैस्कुलिन जेंडर, बॉय मैस्कुलिन जेंडर, वुमन फेमिनिन जेंडर, गर्ल लेडी सब फेमिनिन जेंडर। तो मेल होता है मैस्कुलिन, फीमेल होता है फेमिनिन, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पर्सन के केस में होगा, ये आपके एनिमल किंगडम में भी होगा। तो आपका लायन होता है मैस्कुलिन और लायनेस होती है फेमिनिन, टाइगर होता है मैस्कुलिन, टाइग्रेस होती है फेमिनिन, और कहीं पे कोई ज़रूरी नहीं कि इन्हीं शब्दों से हो, कभी कभी आपको मिलता है काओ जो कि फेमिनिन है, एन ऑक्स और अ बुल विच इज़ मैस्कुलिन। इसके बावजूद देखिए कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिसमें ना मैस्कुलिन होता है ना फेमिनिन होता है। अब तुम सोचो चीटा और चीटी, क्या तो चीटा मैस्कुलिन चीटी फेमिनिन, क्या ये हो सकता है? नॉट पॉसिबल। तो भाई वो सब कुछ है, वो बन जाता है हमारा कॉमन जेंडर केस, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि भाई वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। तो कॉमन नाउन में हमने एक नाउन देखा था टीचर, हमने देखा था डॉक्टर, तो दुनिया के सारे प्रोफेशन, दुनिया के सभी प्रोफेशन यानी काम सारे होते हैं कॉमन जेंडर। टीचर कौन होता है? इट कुड बी अ फीमेल टीचर, इट कुड बी अ मेल टीचर। डॉक्टर क्या होता है? इवन लोगों के दिमाग में आता है मैम नर्स तो ना लेडीज होती हैं। नहीं, नर्स एक मेल भी हो सकता है, इवन एक गायनेकोलॉजिस्ट एक मेल डॉक्टर हो सकता है। सो अल्टीमेटली दुनिया के जितने प्रोफेशन होते हैं, मैम ट्रक ड्राइवर, गूगल करो इंडिया में तुम्हें ट्रक ड्राइवर फीमेल भी मिलेंगी, रिक्शा पुलर फीमेल मिलेंगी, हाँ बहुत कम है उनका रेशियो, लेकिन आपको मिलेगा। हर प्रोफेशन में तुम्हें एक औरत वहाँ मिलेगी ही, या हर प्रोफेशन में आपको एक मर्द मिलेगा ही। घर में तो खाना सिर्फ मम्मी बनाती, पापा तो कभी नहीं जाते, लेकिन दुनिया के सबसे अच्छे अच्छे जो शेफ्स कहे जाते हैं बड़े बड़े 5 स्टार में, 80% में मेल्स मिलेंगे। संजीव कपूर जब फेमस हुए थे, इट्स अ मेल शेफ, गॉट इट? तो आपको जितने भी प्रोफेशन हैं सारे मिलते हैं कॉमन जेंडर में। जब आप अपने लिए भी लिखते हो, मैंने कहा मेरे स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट में खुद सोचो कौन है, मेल है कि फीमेल, दोनों है भाई। तो ये सब होता है कॉमन जेंडर, जहाँ पे हमें पक्का नहीं पता, लिविंग केस है पक्का नहीं पता कि ये मेल है कि फीमेल है या दोनों हो सकता है, वही है कॉमन जेंडर। तो अब तुम सोचो एंट, एंट किधर आएगा, मेल के फीमेल में? हम लिखेंगे यहाँ। तितली कहाँ आएगा? सुनने में तो लगता है ये फीमेल होगी, सुंदर सी होती है, बहुत रंग बिरंगी, लेकिन उसमें भी तो मेल फीमेल होता होगा। तो बटरफ्लाई आएगा यहाँ पे, हनी भी आएगा यहाँ पे। हाँ, बायोलॉजिकली स्पीकिंग फिर इसमें बहुत से हम कर सकते हैं डिफरेंसेस, लेकिन हम लोग बायो नहीं पढ़ना है, इंग्लिश की क्लास है, तो हमें उतना डिटेल में नहीं जाना। बाकी जितना नॉन लिविंग है वो चला जाता है आपके न्यूटर जेंडर में। तो भाई ये कौन सा जेंडर है? ये तो सामान है। ये कौन सा जेंडर है? ये कौन सा जेंडर है? जितना भी सामान है सब न्यूटर जेंडर में है। यहाँ तक क्लियर हुआ? हमारे पास 4 ये केसेस होते हैं, और ये आपको आगे भी मिलेगा प्रणाम के केस में। ही होता है यहाँ, शी होता है यहाँ, आई यू दे वी सब कुछ होता है कॉमन में, क्योंकि वो कोई भी हो सकता है, और न्यूटर में तुम्हें मिलता है इट और दे का काम। टिल हियर थिंग्स आर क्लियर? तो लेट्स क्विकली चेक ऑन विद आवर जेंडर केसेस। तो हमारे पास मैस्कुलिन होता है, बॉयज मैन मेल एनिमल्स, ठीक, एग्जाम्पल प्रिंस मैन किंग बॉय रॉक कॉक और लायन एक्सेट्रा।
फेमिनिन नाउन्स होते हैं जो फीमेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. गर्ल्स, वुमेन एंड फीमेल एनिमल्स, प्रिंसेस, वुमन, क्वीन, गर्ल, हेन, लायनेस एटसेट्रा. बट देर आर नाउन्स दैट रिप्रेजेंट बोथ, फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, आर्टिस्ट, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, सिंगर्स, लॉयर्स एटसेट्रा. तो जितने भी केसेस होते हैं जो दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं वो है कॉमन नाउन केस, सॉरी कॉमन जेंडर केस. ठीक, कॉमन नाउन तो सबके लिए होता है. अब यहाँ से कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान में कभी कभी रखनी होती हैं. ठीक, क्वेश्चन जहाँ से आते हैं या जहाँ से हमें चीज़ों को देखने का, एनालिसिस करने का समझ में आना चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस को कर सकें. वी यूज़ द फॉर सम सिंगुलर नाउन्स. तो ये तो हम लोग चलो आर्टिकल में भी पढ़ेंगे जिसमें हम यूनिक केसेस हैं, जैसे द अर्थ, द सन, द मून एट्सेट्रा. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी केस में, अभी आगे हम आर्टिकल में देखेंगे और भी बहुत से केसेस हो सकते हैं. नाउन में हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जो होता है कंपाउंड नाउन, जो होता है हमारा कंपाउंड नाउन केसेस. अब कंपाउंड कैसे हुआ, तुम खुद सोचो कंपाउंड क्या होता है. मिक्सचर होता है, आपने पानी लिया, उसके अंदर चीनी डाली, नमक डाली, घोला, वो सब एक जैसा हो गया, इसे कहते हैं मिक्सचर. कंपाउंड कैसा होता है, कंपाउंड होता है कि आपने दो चीज़ों को एक साथ मिलाया और ज़रूरत हुई तो वो अलग अलग भी हो गए. तो आपने पानी लिया, वही पानी, उसमें तेल की बूंद डाली, को कस के यूँ घुमा दिया, थोड़ी देर तेल ऊपर आ गया, पानी नीचे रह गया, कंपाउंड है, नहीं है वो मिक्सचर, क्योंकि वो एक साथ मिक्स नहीं हुआ. तो आपका कंपाउंड नाउन क्या होता है, ये दो शब्द होते हैं जिनको हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे ये अलग अलग हो जाते हैं, बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं और दोनों की अपनी एक आइडेंटिटी होती है. टाइम टेबल सबने बचपन में सुना है ये कि नहीं, भैया टाइम टेबल के हिसाब से लाना चाहिए था, सेकेंड पीरियड में मैथ्स था यार, नोटबुक ही भूल गए, और शब्द आता है तुम्हारा नोटबुक, उसी टाइम टेबल से याद आया कि नोटबुक है. तो बुक का अपना एक मीनिंग है, नोट का अपना एक मीनिंग है. नोट डाउन द वर्ड्स, नोट करते जाइए साथ में, तभी काम बनेगा, तुम्हारी किताब खुद तैयार हो जाएगी जिसको तुमने लिखा होगा अपनी नोटबुक में. टाइम टेबल, तो आपको अपना टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए बिल्कुल टाइम से और समय से, बिल्कुल टाइम से टेबल पे बैठ के नोटबुक खोल के पढ़ाई करनी चाहिए. इट वॉज गोइंग टू बी लंच टाइम. भाई साहब, स्कूल का सबसे हसीन पल होता था हमारा लंच टाइम, उसमें हमें मिलता था खाना और खाने से प्यार किसको नहीं होता है. लंच अलग है, टाइम अलग है. अगेन यहाँ पे आप चाहें दोनों शब्दों को मिला के एक शब्द बनाएं, चाहे तो दोनों का अलग अलग इस्तेमाल करें. आफ्टरनून, बास्केटबॉल, इस तरह के आपको तमाम शब्द मिल जाएंगे जो दो शब्दों को मिला के बनाए गए हैं, दोनों की अपनी भी पहचान है. बास्केट का मतलब होता है डोलची, बॉल का मतलब तो होता है गेंद, और दोनों मिला के एक अलग कंप्लीट गेम बनता है. इसी तरह से वॉलीबॉल होता है, थ्रो बॉल होता है, फुटबॉल होता है, डॉज बॉल होता है. तो आपने बॉल शब्द हर जगह रखा और गेम आपका बदलता गया. और इन शब्दों को, बास्केट का अपना मीनिंग है, डॉज का अपना मीनिंग है, फुट का अपना मीनिंग है, सब में आपको अलग अलग मीनिंग मिलता जाएगा. तो ये वाले कंपाउंड नाउन होते हैं जहाँ पे हम दो शब्दों को मिला के नए मीनिंग के साथ शब्द बनाते, बिल्कुल एक नया मीनिंग हो जाता है. ज़रूरत पड़ने पे ये दोनों शब्द अलग भी हो सकते हैं और इनका अपना खुद का एक अस्तित्व होता है. तो जब हमने कहा कि ब्रेकफास्ट, ओहो खाना तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, तो ब्रेक और फास्ट दो अलग चीज़ है. फास्ट है बहुत तेज़ी के साथ, और फास्ट हम लोग व्रत रखने को भी कहते हैं, और ब्रेक का मतलब टूट गया, जो कि तुम्हारा दिल बार बार टूटता रहता है क्योंकि तुम्हें ब्रेकफास्ट के दर्शन नहीं होते. मम्मी कहती हैं आज तुम्हें नाश्ते में कुछ नहीं दिया जाएगा, तुम अपना फास्ट यानी अपना उपवास नहीं ब्रेक कर पाओगे. और दोनों शब्द मिला दिए तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता है कि तुम्हें अपना ब्रेकफास्ट मिल जाता है. ये केसेस एकदम क्लियर हुए कि नहीं. तुम्हारे पास दो शब्द होते हैं, दोनों को मिलाइए, मिश्रण नहीं बनाना है, ये कंपाउंड है. तो एक नए शब्द का निर्माण होता है, और जब दोनों शब्द अलग अलग हो जाते हैं तो इसका और इसका अपना एक कंप्लीट अर्थ होता है. दोनों के मिलने पे एक अलग अर्थ बन जाता है, अनर्थ नहीं होता, अलग अर्थ बनता है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. तो देयर यू हैव सो मेनी अदर वर्ड्स ऑल्सो. कभी कभी आपको हाइफनेट यानी बीच में डैश लगा हुआ भी मिलेगा. नोटबुक, फायरफ्लाई, कीबोर्ड, हाइफनेटेड फॉर्म में भी, जैसे एक्सरे, को पायलट, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ,
पोस्ट ऑफिस, हिस्ट्री बुक, मिनरल वाटर इत्यादि। अब यहाँ से आते हैं कि हमने इसके पहले भी बात की थी कि भाई नाउन होता है, काउंटेबल नाउन होता है सिंगुलर और प्लूरल। अब देखो हिंदी में क्या होता है, हिंदी में चलता है हमारा एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। इंग्लिश में क्या होता है, एकवचन, बहुवचन, यानी सिंगुलर वन एंड फिर सब कुछ प्लूरल होता है। तो कई हमारे ऐसे शब्द होते हैं, कई हमारे ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स। कभी कभी ई एस लगता है, कभी आई ई एस लग जाता है, कभी शब्द बदलता ही नहीं। शीप का शीप, डियर का डियर रह जाता है। तो अब देखते हैं हमारे कुछ शब्द जहाँ पे हम अपने नाउन और प्रोनाउन को कैसे, नाउन और सिंगुलर प्लूरल को कैसे चेंज करेंगे, नाउन प्रोनाउन नहीं, सिंगुलर और प्लूरल को कैसे चेंज करेंगे। तो कुछ एग्जांपल हैं जहाँ पे शब्द बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। सबसे आसान वर्ड इसमें आपको मिलेगा मैन मेन, वुमन वुमेन, चाइल्ड चिल्ड्रन। ये रहा सिंगुलर, ये रहा प्लूरल, वर्ड ही बदल गया। मैम इसमें तो बस ए और ई का डिफरेंस है, तो बेटा इसमें क्या करें, इसमें क्या करें, और चाइल्ड में तो आर ई एन जबरदस्ती डाल दिया है। तो ये डिपेंड करता है, ऐसा कहीं कोई रूल नहीं है। इसमें एक शब्द है और वो पूरा का पूरा बदल जाता है। जैसे ऊपर वाला शब्द देखिए, माउस होता है चूहा, माइस होता है चूहे, ऑक्स होता है बैल और ऑक्सन होते हैं एक से अधिक बैल। तो ये इस तरह से हम लोग कैक्टस, कैक्टस का प्लांट और कैक्टाई, ढेर सारे कैक्टस के प्लांट्स जो उसके साइड साइड से ऐसे निकलते चले जाते हैं। चाइल्ड चिल्ड्रन, मैन मैन, वुमन वुमेन, सबको पता है। यानी एक ऐसा नाउन जहाँ पे शब्द पूर्णतः बदल जाता है। तुम्हें ये शब्द आने चाहिए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। अगेन इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें कुछ शब्दों को हम और भी जोड़ेंगे, इसे लिख लेंगे आप लोग। सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सदा सर्वदा प्लूरल होते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए, पैंट्स, जीन्स, शॉर्ट्स। अब तुम खुद सोचो, अगर हम पैंट्स में से एस हटा दें, बचा क्या, पैंट, एस हटाइए तो लिखो, इसका मतलब होता है हाफना। When I run, तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं क्लास के लिए। उसके बाद फिर हम, अब देखा, सांस उखड़ जाना, हांफना, तो भाई ये तो हो गया वर्ब क्योंकि इसमें क्रिया हो रही है। तो पैंट्स होता है जो हम लोग पैंट्स पहनते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में ट्राउजर्स भी बोलते हैं, आप इसको जो भी चाहें बोल सकते हैं। और पैंट्स व्हाट वी वेयर, ट्राउजर्स। जीन्स, जीन्स तो खैर सबको पता है, और अगर तुमने इसको जीन कहा तो भाई साहब ये तो कोई शब्द ही नहीं है, बाय द वे चाइल्ड। शॉर्ट्स, एस हटाइए, क्या बचा, शॉर्ट एंड ब्रीफ, टू द पॉइंट। तो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन है शॉर्ट आंसर का, क्वेश्चन नंबर टू है लॉन्ग आंसर, लॉन्ग शॉर्ट, वो कोई लॉन्ग है कोई शॉर्ट है। एस हटाया तो पार्ट ऑफ स्पीच ही बदल गई, मीनिंग तो जो बदलना है सो बदल ही गया। टोंग्स, चिमटा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखते जाइए, टोंग्स का मतलब होता है चिमटा, वही चिमटा जिससे कभी ना कभी बचपन में, बड़े पे, अभी भी कौन सा वक्त बड़े हुए हो, ठीक, एडल्टहुड, हाँ मैम मैं 18 साल का हो गया बेटा, 18 साल का होते ही एडल्टहुड नहीं आ जाता है, अभी बुद्धि नहीं आई है, बाकी अभी बहुत कुछ बाकी है। वही चिमटा जिससे माँ ने हमें कूटा पीटा होता है, तवे पर रोटियाँ भी सेकती हैं और साथ में लगाती भी चलती हैं। सिजर्स यानी कि कैंची, जिसका दुरुपयोग हर बच्चे ने बचपन में किया ज़रूर होता है, आसपास में घर की कुछ दो चार बहुत अच्छी चीज़ें, चादर है, तकिया का कवर है, कुछ ना कुछ काटा ज़रूर होता है, मम्मी की फेवरेट साड़ी में खोचा ज़रूर मारा होता है। हेयर, अब हेयर होता है एक व्यक्ति का बाल एंड हेयर्स होता है कई लोगों का। तो अगेन ये वाले केसेस आपके क्वेश्चन फॉर्मेट में आने लगते हैं। सनग्लासेस, और ये जो मैंने पहना है इसे हम लोग कहते हैं स्पेक्स, स्पेक्टिकल्स, और ये सारे के सारे शब्द होते हैं आपके एस के साथ। गुड्स, ये टेबल लिख लीजिए, ये टेबल आपके लिए काम आएगी, ये एडवाइजेबल है आपके लिए। पीपल, ये अपने आप में हमेशा प्लूरल फॉर्मेट में चलता है।
पुलिस, इनके साथ वर्ब हमेशा याद रखिएगा, इन सबके साथ में जो वर्ब आता है ना वो प्लूरल रहेगा, और अगर इसमें से एस हटा दिया जाएगा ना तो वर्ड का जो मीनिंग है बिल्कुल बदल जाएगा। प्रेमाइसेस, शैकल्स, ये सारे वर्ड एस पे ही खत्म हो रहे हैं और इनका जो मीनिंग है वो एस के बिना बिल्कुल बदल जाएगा। और मेन याद ये नोट करिए, इनके साथ में वर्ब सदा प्लूरल रहेगा। यहाँ तक एक पार्ट क्लियर हुआ। सम नाउन्स विल ऑलवेज बी रिटन विद प्लूरल, कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल। अब बहुत से बच्चे कभी कभी पूछते हैं, मैम इसमें लॉजिक क्या है? बच्चे लॉजिक कुछ नहीं है, हिंदी और इंग्लिश में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत सी चीज़ें हिंदी की बहुत डिफरेंट है, इंग्लिश की बहुत है। इंग्लिश बहुत सी चीज़ों में तर्क नहीं देती है, लॉजिक नहीं देती है, साइंस नहीं बताती है। साइंस नहीं है, ये एक भाषा है। भाषा अपने कुछ नियमों को कहाँ से कैसे लेके जाती है, इसको हम अपने साइंटिफिक लैंग्वेजेस या साइंटिफिक चीज़ों से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है? तो भाषा ऐसी है, हमें ऐसे ही पढ़ना है। क्वेश्चन इसी सबसे आता है। पीछे अगर आप देखेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चन में हम लोग, तो ब्रेड्स इससे आया हुआ है। तो भाई ब्रेड होता है, ब्रेड्स नहीं होता है। तो कौन से नाउन ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिंगुलर होते हैं? ये भी रूल होगा, ये हैं जो सिर्फ प्लूरल होते हैं, और कुछ होगा ठीक जो सिर्फ सिंगुलर होगा, तो वो भी कुछ लिखते हैं हम लोग। कुछ नाउन, सम नाउन्स used only as singular, ये सिर्फ singular के केस में लिखा जाएगा। तो भाई ये noun आता है आपका, जहां पे अगर हमने s लगा दिया ना तो word का meaning ही बदल जाता है। तो आया advice, information, information, bread, आया हुआ वर्ड, आया हुआ क्वेश्चन, लगेज, बैगेज, पॉटरी, पोइट्री, सीनरी, पोइट्री, सीनरी। तो इन सारे शब्दों के साथ में हम कभी भी एस ई एस नहीं लगा सकते। ये तो बड़ी अजीब बात है, वहाँ पे हम एस के बिना नहीं लगा सकते, यहाँ पे हम एस ई एस नहीं लगा सकते, ठीक। यहाँ तक कि एक दो एक केसेस में लैंड, प्रॉपर्टी, वुड, मिल्क। अब देखो यहाँ पे अगर हमने एस ई एस लगाया, एक तो हम लगा ही नहीं सकते, और कहीं अगर हमने लगा दिया, जैसे लैंड में लैंड्स लगा दिया, प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टीज किया, वुड का वुड्स किया, मिल्क का मिल्क्स किया, तो दरअसल हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल चुकी होगी। अगर हमने वुड को वुड्स लिखा, लिखिए साथ में, लिखिए, नोट करिए, वुड को वुड्स किया तो उसका मतलब जंगल होता है, प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टीज किया तो वो एक एडजेक्टिव होता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ, लिखते थे कि नहीं इन्फ्लुएंस में, ऑफ के एम एन ओ थ्री, ये होती हैं। लैंड, द प्लेन लैंड्स, प्लेन लैंड करता है तो द प्लेन लैंड्स। तो अगर इसमें एस लग गया तो हमारी पार्ट ऑफ स्पीच बदल चुकी है, मीनिंग बदल चुका है। ये वो शब्द हैं जो सिर्फ एज अ सिंगुलर यूज होते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब वापस अपने उस पे आते हैं कि कहाँ पे हम कुछ केसेस में प्लूरल कैसे बनाते हैं। यहाँ पे वो एग्जांपल है, अब देखिए ध्यान से। फिश का फिश, डियर का डियर, कैटल का कैटल, शीप का शीप, बाइसन का बाइसन। कुछ और भी शब्द इसमें ऐड कर लेते हैं, चलो इसमें ऐड करते हैं हम लोग कॉड, ऐड करते हैं ट्राउट, ऐड करते हैं सैल्मन। मैम ऐसा कैसे हो सकता है, ऐड करते हैं इसमें स्वाइन। ये वो शब्द हैं जिनका प्लूरल और सिंगुलर सेम चल रहा है। मैम फिश का हम लोग पढ़ा फिशेज होता है, हाँ होता है, वेरियस काइंड जब होता है, वैसे ही जैसे हेयर का हेयर होता है, जब वेरियस काइंड होते हैं, अदरवाइज कॉमन केस में हम फिश को फिशी लिखते हैं, डियर को डियर लिखते हैं, कैटल को कैटल, शीप को शीप, नहीं होता है इनका प्लूरल। तो ये शब्द आपको याद रखने, पहला एक लिस्ट, नाउन ऑलवेज विद एन एस, वो हमेशा प्लूरल है, नाउन
ओनली विद अ सिंगुलर केस, एडवाइस वाला केस, अ नाउन विद द सेम स्पेलिंग इन सिंगुलर एंड प्लूरल. तीन अलग अलग कैटेगरी क्वेश्चंस इससे आते हैं. उसके बाद बहुत से केसेस में हमें पता होना चाहिए कि हम प्लूरल बनाते हैं तो कैसे बना रहे हैं. तो भाई अगर हमारा सिंगुलर नाउन एंड कर रहा है, एंड कर रहा है किस पे, एफ या एफ ई पे, एफ या एफ ई पे, एफ ई लाइफ, वाइफ, काफ, लोफ, तो उसका प्लूरल कैसे बनता है. एफ को वी में करिए और ऐड कर दीजिए वी ई एस. एफ को या एफ ई को कन्वर्ट करिए वी ई एस, वी लगाइए और आगे ई एस लगा दीजिए, हमारा प्लूरल बन गया. तो F है अथवा F E है, तो इसमें करिए V और साथ में जोड़ दीजिए ES, बस हो गया. ये था सिंगुलर, ये बना प्लूरल. तो लाइफ का लाइव्स हो गया, काफ का काव्स हो गया, काफ होते हैं गाय के बछड़े, ठीक, गाय के भैंस के. लोफ होता है लोफ ऑफ ब्रेड, नाइफ चाकू नाइफ्स. अब ये एक पार्ट. अब कुछ हमारे होते हैं सिंगुलर नाउन्स जिनका एंड करता है एस पे, एक्स पे. ये देखिए एस डबल एस, एस एच सी एच, टी सी एच, एक्स जेड, अगर इन पे जा रहा है तो हम ई एस, सिंपली हम ई एस कर लेते हैं. देखो बॉक्स हुआ तो बॉक्सेस एक्स पे, सी एच हुआ जैसे मैच तो हमने किया मैचेस, ड्रेस किया एस पे आया या डबल एस पे ड्रेसेस, जेड पे आया क्विज क्विजेस. ई एस लगाते जाना है, आपका काम हो जाता है. फिर आता है सिंगुलर नाउन एंड्स विद एन ओ. अगर हमारा नाउन ओ पे एंड कर रहा है तो भी हम यही कर रहे हैं. देखिए ओ पे ई एस लगाओ, टोमेटो पोटैटो वोल्केनो हीरो, सब पे हम क्या करेंगे ई एस. किंतु 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 कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे भी नाउन्स हो जो ओ पे एंड कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं ओ पे, लेकिन उसके पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट, उसके तुरंत पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट, जैसे कि पियानो. ओ पे एंड कर रहा है, बेशक ओ पे एंड कर रहा है पर उसके पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट, तो उस केस में ई एस नहीं सिर्फ एस लगा देंगे. फर्क बहुत छोटे छोटे से केसेस से आते हैं. देखो एक में हमने देखा था ऑरेंजेस टमेटो, ठीक, ओ पे हमारा एंड कर रहा है तो हम ई एस लगा रहे हैं, पर कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे ओ पे एंड कर रहा है लेकिन हम सिर्फ एस लगा रहे हैं. वैसे ज़्यादातर ये कॉन्सोनेंट केस में होता है, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. अगर हमारे वाई से पहले, अगर हमारे वाई से पहले हमारा वाल साउंड है, वाई है और उसके पहले ए ई आई ओ यू, तो भाई इसमें सिर्फ एस लगाना है. तो बॉयज डेज ट्रॉलीज टॉयज, वाई वाई पे एंड कर रहा है शब्द, वाई से पहले है ए ई आई ओ यू, तो तुमने एस लगा देना है. लेकिन अगर वाई से पहले है कुछ और, वाई से पहले है ए ई आई ओ यू के अलावा कुछ और, तो देखो तब हम आई ई एस लगा रहे हैं. तो अगर हमारा वाई है, वाई से पहले क्या आया, ए आया, ई आया, आई आया, ओ यू आया, तो यहाँ पे एस ऐड हुआ. और अगर कुछ और आया, ए ई आई ओ यू, पांच ही हैं वाल साउंड सबको पता है, तो हम आई ई एस लगा देते हैं, वाई हट जाता है, ऊपर वाले में वाई नहीं हटा था. ठीक, तो कॉन्सोनेंट ऑल अदर लेटर्स होते हैं, वो सबको पता है, वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट ए आई ओ यू. अब यहाँ पे अगेन देखिए सिंगुलर नाउन एंड्स विद ओ आफ्टर अ वॉल, एड एस टू मेक इट प्लूरल. सिंगुलर नाउन एंड्स विद ओ आफ्टर अ वॉल, ये देखो वॉल साउंड्स, तो हम ई एस नहीं लगा रहे हैं, देखो हमने सिंपली एस लगाया है. तो छोटी छोटी इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे हम लोग अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं. अगर इतनी चीज़ें हमने ठीक से मैनेज कर ली तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, एटलीस्ट अपने नंबर केसेस में. तो यहाँ पे आपने अगेन
क्विक अगर हम रिकैप करें तो क्या है, सिंगुलर नंबर नाउन है, प्लूरल नंबर है, ठीक। और हमारे पास ज़्यादातर नाउन के केस में क्या होता है, एक ऐसी भी लिस्ट आती है जो सब सिंगुलर है, सब प्लूरल है, या सिंगुलर प्लूरल में सेम है। अब इस केस में हमारे पास एक आता है पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन में हमें कुछ नहीं करना, अपोस्ट्रोफी लगाना आना चाहिए, अपोस्ट्रोफी एस। इसके अलावा क्या हम कोई और लेटर अल्फाबेट लिख सकते हैं? नहीं, हम नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ अपोस्ट्रोफी विद एन एस ही हम लिख सकते हैं। तो ये राम की किताब है, तो हम लिखेंगे राम्स बुक। ये रहा पोजेसिव। पोजेसिव का मतलब होता है का की के, हिंदी में हमारे का की के, ठीक, जो हमारे कंजंक्शन या प्रेपोजिशन कारक में से जो भी हो, का की के, ये किसका है, ये किसकी है, ये किसके हैं, का की के। उसके लिए इंग्लिश में अब हम अलग से कोई वर्ड नहीं लगाते, हम सिंपली नाम के साथ में अपोस्ट्रोफी विद एन एस लगाते हैं, हमारा काम खत्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी काकी के लिए हम ऑफ भी लगाते हैं। तो हमारे पास दो तरीके से चीज़ें चलेंगी, हिंदी में का की, ये उसका है, उसकी है, उसके हैं, ठीक, का की के। तो उस केस में इंग्लिश में हमारे पास दो केस बनेंगे, नाउन के लिए अपोस्ट्रोफी विद एन एस और बनेगा ऑफ। ये बनेगा हमारे लिविंग केसेस के लिए, व्यक्ति के लिए, लिविंग और पर्सन के लिए, ये व्यक्ति के लिए बनेगा। और ये बनेगा एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए, प्लेसेस के लिए, और कुछ यूनिक केसेस में हम लोग इसमें और इसमें मिक्स एंड मैच भी देखेंगे। ये एक बेसिक केस बनने का, क्लियर। नाउ लेट्स क्विकली सी, दिस इज बॉब्स स्केटबोर्ड। की स्केटबोर्ड बॉब को बिलोंग करता है। दिस इज यान्स कोट। पापा बॉट अ न्यू फ्रेम फॉर ग्रैंडपास स्पेक्टिकल्स। Ted's dream for a bicycle came true. Julia's homework was not checked. But ये सारे केसेस में आपको एक चीज़ दिख रहा है, सारे लोग व्यक्ति हैं, व्यक्ति यानी पर्सन है। और अगर नॉन लिविंग होता तो हम क्या लगाते हैं? तो हम अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, तब हम लगाते हैं ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, टेबल इज मेड of wood। और अगर मैं बताना है कि इस टेबल की लकड़ी, तो हम लिखेंगे wood of this table या wood of the table। pages of the book, इस किताब के पन्ने फटे हैं, तो pages of the book। wheels of the car, इस कार का एक पहिया, तो हमने कहा wheel of the car। तो आप लिविंग के केस में क्या लगाते हैं? अपोस्ट्रोफी, पर नॉन लिविंग में ऑफ लगाते हैं। तो यहाँ तक आपका होता है पोजेसिव केस। अब हमारे कंपाउंड में जब पोजेसिव लगता है, कंपाउंड में पोजेसिव लगता है तो कहाँ लगता है? पहले शब्द पे कि आखिरी? क्वेश्चन आया है आपका रिपीट केस में, तो ये बस याद रखना है आपको कि आपके कंपाउंड में जब भी पोजेसिव लगे, हमने देखा राम्स बुक, राम्स बुक, लेकिन अगर मैंने कोई कंपाउंड वर्ड लिखा और हमने लिखा ब्रदर इन लॉ, तो याद रखिएगा जो आखिरी शब्द है, अगर मैंने लिखा कमांडर इन चीफ, तो मैंने कहा कमांडर, मैंने कहा इन, मैंने कहा चीफ, तो अपोस्ट्रोफी लगेगा। ये कमांडर इन चीफ्स हैट, ब्रदर इन लॉज वाइफ। आगे हमें जो लिखना हम लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं, पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, लेकिन हमारा अपोस्ट्रोफी पहले शब्द पे नहीं, आखिरी शब्द पे ही लगता है। और अगर हमें प्लूरल करना हो तो आपका रूल ये चलेगा, प्लूरल होगा पहला शब्द और अपोस्ट्रोफी लगेगी आखिरी शब्द पे। तो हमारा रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि सिंगुलर से जब हमें प्लूरल करना हो कंपाउंड को, तो प्लूरल होता है फर्स्ट वर्ड ऑफ द कंपाउंड
एंड अपोस्ट्रोफी एस लगता है लास्ट वर्ड ऑफ द कंपाउंड पे. ये फिक्स रूल आपका चलता है. प्लूरल पहला शब्द, अपोस्ट्रोफी आखिरी शब्द है. तो हमारे ये कुछ ऐसे नियम हैं जिनके बेस पे चलता है हमारा नाउन के केसेस के क्वेश्चंस. एक क्विक सा झलक देखते हैं पीवाईक्यू पे. तो ये देखिए, माय फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज. तो अगर आपको प्लूरल करना था, यहां पे क्या था, सिंगुलर से प्लूरल हो रहा है. तो तुम खुद देखो आखिरी शब्द पे, ये कंपाउंड है, एक दो तीन, तीन शब्द लिखे हम आखिरी वाले पे अपोस्ट्रोफी लगाते हैं और प्लूरल करते हैं पहले शब्द को. ये रहा हमारा एरर. बस वहां पे वो अपोस्ट्रोफी सही है, लेकिन यहां पे आखिरी में प्लूरल करना नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि हमारा रूल कहता है कि प्लूरल तो होता है फर्स्ट वर्ड. फर्स्ट वर्ड होता है, यहाँ पे आखिरी वर्ड पे था. ये रहा आंसर. इस तरह के केसेस आपको क्वेश्चन में दिया जाता है. अभी इस वाले में हम लोग और भी बहुत से केसेस देखेंगे. नाउन प्रोनाउन दोनों हम लोग कैसे मिक्स एंड मैच करके पूछा जाता है. अभी हम लोग आगे प्रोनाउंस भी पढ़ेंगे. यहाँ पे देखिए, द मशीन इज मोर एफिशिएंट दैन एनी अदर इक्विपमेंट्स. इक्विपमेंट होता है, मशीनरी होता है, लिखते जाइए. इक्विपमेंट होता है, मशीनरी होता है. एस कैसे लगा हुआ है एनी के साथ. बस सिंपल सी ये केस था. अभी हम लोग और भी डिटेलिंग इसमें करेंगे तो हम लोग को और भी चीज़ें समझ में आती जाएंगी. कुछ चीज़ें इसमें हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और प्रोनाउन और सारी केसेस को मिक्स एंड मैच करके करेंगे. ही अप्लाइड फॉर एन एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट कितने एम्प्लॉयमेंट होते हैं, जॉब काउंट होता है, वन जॉब टू जॉब्स. एम्प्लॉयमेंट काउंट होता है, अनकाउंटेबल नाउन और उसके साथ वन लगा है, एन का मतलब वन, यही हो गया हमारा आंसर. कोई भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम लोग ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते. ही वॉन्टेड मी टू ब्रिंग टू ब्रेड्स. ब्रेड लिखा था, एक तो ब्रेड्स लिखा है और भी टू. अनकाउंटेबल नाउन केस में हम एस कैसे लगा सकते हैं अपना, टू थ्री फोर नहीं हो सकता. टू लोव्स हो सकता है, टू ब्रेड्स नहीं, और ब्रेड्स तो होता ही नहीं है. तो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट कम फॉर योर नाउन. हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे ये वाले क्वेश्चंस विद रीजंस विद एवरीथिंग डिटेलिंग के साथ में कि हाँ भाई, हम जो नाउन्स पढ़ते हैं और जिस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं कितना मैच कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें जो ऐड ऑन करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरी है पढ़ना. कुछ ऐसी भी चीज़ें जो हम एस्केप कर सकते हैं क्योंकि पूछ नहीं रहा है कोई. तो जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो हम लोग कंटिन्यूसली पढ़ेंगे, और जिन चीज़ों का कोई खास फ़ायदा नहीं है इस वक्त पढ़ने का, क्योंकि आप किसी फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ टेंथ ट्वेल्थ के बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, और यदि आप बोर्ड का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं कुछ चीज़ें आगे के लिए आपको बहुत काम आएंगी. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. जय हिंद.